मैं हूं आपका प्यारा होस्ट शेफ हरपाल सिंह सोखी। बड़ी सिंपल रेसिपीज लेके आया हूं आज के दिन। बना रहा हूं पनीर सोया की टिक्कियां। सबसे पहले ये लीजिए, ये बोल है, ये सभी को दिख रहा है, ये बोल है, ये चम्मच है, ये भी सभी को दिख रहा है, और ये प्याज है। ये अब मैं काट लेता हूँ। ये लीजिए, अब एक प्याज चॉप कर लेना है। ये लो प्याज तैयार, और तैयारियों में कुछ और काम करना है। हरी मिर्चें, दो हरी मिर्चें, इन्हें बारीक काट लेते हैं। ये ले लीजिए, दो हरी मिर्चें काट ली। अब जरा मिश्रण तैयार किया जाए, तो उसके लिए ये प्याज कटा हुआ जो है, इसे एक बोल में ले लेते हैं। और इस प्याज में अभी पनीर, 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने। ये पनीर इतना सा काफी है। इसमें डालूंगा ये दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर के, साथ ही साथ पूरी फीलिंग के साथ जीरा एक छोटा चम्मच, ठीक है जी, कूटी हुई काली मिर्च एक छोटा चम्मच, पनीर के साथ बहुत बढ़िया लगती है कूटी हुई काली मिर्च। और साथ ही साथ डालेंगे एनर्जी, वो एनर्जी के लिए नमक शमक, नमक शमक डाल देते हैं। नमक शमक, ये लीजिए नमक शमक डल गया। अपने स्वाद अनुसार डालें, शहद अनुसार डालें, और नींबू, एक नींबू का रस। ये और अब ये जो सोई हुई भाजी है ना, ये ले लेते हैं। अब इसे चॉप कर लेना, ये ले, और जो पत्ते पत्ते हैं उन्हें बारीक चॉप है। हेलो, आहा, ये डल गया इसमें सोया भाजी। सोया भाजी में बड़ा सौंफियाना फ्लेवर है, मतलब सौंफ की फ्लेवर जो है ना वो है इसमें, तो इसे अब मिक्स कर लेते हैं। ये लीजिए, आहा, अब हाथों से मसल लेते हैं। ये लीजिए, क्या बात, ये बिल्कुल तैयार। इसकी मुझे टिक्कियां बनानी है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये बाइंडिंग वगैरह बढ़िया है टिक्की बनाने के लिए। ये ये टिक्कियां तैयार। लेकिन इसके अलावा एक काम और करना है मेरे पास है, ये लहसुन की कलियां 8 से 10। क्या करूंगा मैं, सिर्फ क्रश करनी है मुझे। ये देखिए, ये लीजिए, अब सिंपल तैयारी पकाने की। सबसे पहले एक पैन में आलू फ्राई करना, में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल ले लें। तेल जब गर्म हो जाए तो ये जो क्रश्ड गार्लिक था, ये सबसे पहले ये, और इसे मैं पहले भूनूंगा ताकि ये बढ़िया तरीके से ब्राउन हो जाए और तेल में लहसुन की खुशबू आ जाए बढ़िया तरीके। अब देखिए लहसुन हल्का सा ब्राउन हो गया। अब ये जो मेरी टिक्कियां हैं, मतलब मेरी नहीं है, पनीर की और सोया की, ये एक एक करके इसमें डाल लेते हैं। ये क्या बात, ये लीजिए, अब मैंने अपना फ्राइंग पैन में जगह नहीं छोड़ी है। ये देखिए बढ़िया तरीके से फ्राई करेंगे। आपको पता है पनीर भाई जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे उतना ख़राब होगा, और इसमें सिर्फ फर्मनेस के लिए मैं ये शैलो फ्राई कर रहा हूँ, डीप फ्राई भी इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, ताकि कॉर्न स्टार्च थोड़ी सी पक जाए और पनीर बढ़िया हो जाए, अंदर से सॉफ्ट होगा ऊपर से क्रिस्प। तब तक एक प्लेट सजा लेते हैं, और प्लेट में ढेर सारा सोया यूज़ करूँगा मैं ताकि बढ़िया दिखे। ये देखिए बहुत ही सिंपल, मेरे पास कुछ और गार्निश है वो भी यूज़ कर लेता हूँ मैं। ये आहा, ये क्या बात, बढ़िया कटा हुआ टमाटर, क्या बात है।
बहुत ही सिंपल। और यहाँ पे ये पनीर बिल्कुल तैयार, ये देखिए, आह क्या बात, ओहो हो, ये देखिए लहसुन जो चिपका है उसे मैं चिपका ही रहने देता हूँ। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है ये टिश्यू पेपर पे निकालें, ये लीजिए लहसुन के साथ साथ निकालें, आह ओ जी मज़ा आ गया। इतनी सारी निकाल के मैं इन्हें सजा लेता हूँ, बिल्कुल बढ़िया क्रंची क्रिस्प, ये लीजिए थोड़ा सा डैप कर लें, ओहो हो, और ये फ्राइड लहसुन इस पे, मेरी सुंदर सी प्लेट। ये गर्मा गर्म जब हो एक काम करना ना भूले, ये ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर ले तो भाई और भी मजा आ जाएगा। Food, food, it's sizzling.